रांची जिला के काके प्रखंड के नगड़ी गांव की 227 एकड़ जमीन झारखंड सरकार लॉ कॉलेज एवं आईआईएम कॉलेज बनाने के लिए कब्जा कर रही है। नगड़ी गांव की गरीब आदिवासियों का जीवन उसी जमीन से गुजर बसर हो रहा था। पूरा अचानक के खूने गांव ग्राम सभा के भी सूचना कुछ नहीं मिल रही और गाँव के भी कोई सूचना नहीं, यार अचानक फोर्स भर के आर यहाँ काम शुरू कर दिले। दो महीने से मैंने कॉलेज नहीं गया, इसलिए कॉलेज नहीं गया क्योंकि सरकार ने जबरदस्ती हमारे जमीन को 227 एकड़ जमीन को अधिग्रहण करने की बात कर रहे हैं। और आज अगर जमीन चल जाते तो यहाँ के घर से बेघर हो जाते हैं, तो यहाँ के मतलब बच्चा से लेकर के महिला के बहुत कष्ट होता है कि बच्चा के पालना तो महिला ही के जिम्मेवारी रहेगा। मेरा नाम बीना कुमारी है। और यहाँ क्यों आई हो? खेत बचाने के लिए। जमीन क्यों बचा रही है? क्योंकि मेरा माँ है। किसानों के ओर से केस वहाँ किया गया है, दर्ज किया गया है हाईकोर्ट में, तो उसका अब क्या है नहीं है, अब क्या फैसला देगा नहीं देगा, हम लोग को तो उतना कोर्ट पर विश्वास भी नहीं लगता है। जो कम पढ़े लिखे हैं वो लोग किसान का काम कर रहे हैं तो कौन चीज का नौकरी देगा? प्रोफेसर लिख से तो नहीं ना बनेंगे हम लोग गाँव वासी, यहाँ का जमीन जिसका जा रहे हैं वो लोग, जिसको सरकार जबरदस्ती ले रही है, जो कि हम किसी हाल में किसी कीमत में नहीं देना चाहते क्योंकि हमारा जीविका के ये मात्र पहला और अंतिम साधन है, जीविका चलाने के लिए किसान के लिए एकमात्र साधन है। अढ़ाई महीना से अभी धरना पर महिला सब बैठा थे कि हम इन जान देवे लेकिन जमीन नहीं देवे बोल के, यार यहाँ महिला सब दिन और रात, अभी 2 तारीख से तो दिन और रात महिला सब यहाँ रात के भी दिन के भी रह रहा थे। झारखंड सरकार उन गरीब आदिवासियों का विकास के बजाय उनको भीख मांगने के लिए मजबूर कर रही है। झारखंड में लॉ कॉलेज आईआईएम कॉलेज जैसे प्रतिष्ठान संस्थानों की आवश्यकता है, लेकिन झारखंड सरकार के पास कहीं और कोई जमीन नहीं है जो कि नगड़ी गांव के खेती योग्य जमीन का अधिग्रहण कर रही है। मैं प्रियशीला बेसरा, रांची झारखंड से, इंडिया अनहर्ड के लिए।